खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से, जहां लियाकतपुर सहराय चौलिस्तान में नहरी पानी की बंदिश की वजह से चौलिस्तान में आग बरसने लगी। तेज हवाओं ने चौलिस्तान को जहन्नुम बना दिया। नहरी पानी बंद, जेरे जमीन पानी भी कड़वा होने लगा। चौलिस्तान में पानी न होने की वजह से 200 भेड़े मर गयी। मुकामी लोगों ने चौलिस्तान को आफत ज़दा करार देकर इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अशरफ अली से। जी अशरफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है सहराय चौलिस्तान की? जी, लियाकतपुर सराय चोलस्तान में नहरी पानी की बंदिश की वजह से चोलस्तान में आग बरसने लगी। तेज हवाओं ने चोलस्तान को जहन्नम बना दिया। नहरी पानी बंद, जेरे जमीन पानी भी कड़वा होने लगा। चोलस्तान में पानी ना होने की वजह से 200 भेड़े मर गई। मुकामी लोगों ने चोलस्तान को आफत ज्यादा करार देकर एमरजेंसी नाफज करने का मुतालबा कर दिया। चोलिस्तान के इलाका में बारिश ना होने की वजह से चोलिस्तानी अवाम शदीद परेशान। मकामी लोगों ने चोलिस्तानी नहरों में फौरन पानी छोड़ने का मुतालबा भी कर दिया। पानी ना होने की वजह से जानवर मवेशी ही नहीं बल्कि चोलिस्तानी अवाम भी पानी की बूंद बूंद को तरस गई। भूख और प्यास की वजह से भेड़ें, बकरियाँ, ऊँट, दूध देने वाले जानवर जो हैं इनकी भी मरने की इतला मौसूल हो रही हैं। चोलिस्तान की आवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि चोलिस्तानी नहरों में फौरी तौर पर पानी छोड़ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ अशरफ अली भट्टी, HNN न्यूज़, लियाकतपुर।